वृंदावन, मतलब वृंदावन का लोटस टेंपल और ये है उसकी ब्रज गुफा। और बहुत सुंदर लोटस टेंपल है ये, मैं बाहर से भी आपको इसके विजुअल्स दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं पूरा, और इसके अंदर जो कृष्ण लीला हुई है उसके काफी सारे फोटोग्राफ्स इसके अंदर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और ये सब आप बहुत आराम से ब्रज की गुफा ये देख रहे हैं, पूतना वध, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की ब्रजवासी लीला, और इस तरीके से ये पूरी गुफा। हाँ, ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य, लोटस टेंपल वृंदावन। लोगों को पता नहीं कि वृंदावन में इतना खूबसूरत लोटस टेंपल है, और ये बहुत खूबसूरत, और ये वो कलिया सांप जिसका कृष्ण जी ने वध किया था पानी के अंदर जाके। तो ये बहुत सुंदर एक गुफा, ब्रज की गुफा लोटस टेंपल में, ये झूलन लीला भगवान की। ये गुफा अभी कंटिन्यू है, काफी बड़ा गुफा है, और इसमें पूरी कृष्ण जो लीला है वो चलती हुई, और ये अंत में जो मुझे दिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन चक्र उठाए हुए हैं, और ये आप देखिए बहुत बेहद सुंदर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण और राधा की। और इस तरीके से हम जो है ये हम गुफा से बाहर आ गए हैं, और गुफा से बाहर आकर ये जो है ये है आपका लोटस टेंपल, जो कि कमल के शेप का है, बहुत खूबसूरत लोटस टेंपल। नीचे बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कमल हो। दिल्ली में हमने लोटस टेंपल देखा है जो कि सभी धर्मों का है, और ये भी बहुत खूबसूरत वृंदावन में। लोगों को पता नहीं है कि छड़ी खड़ा रोड वृंदावन में एक लोटस टेंपल है जिसका एक्चुअल नाम है प्रिय कांत जू मंदिर, कमल के शेप में। तो ये उसकी ब्रज गुफा और ये मंदिर का बहुत खूबसूरत दृश्य, और ये लोटस टेंपल की एंट्री बहुत खूबसूरत दृश्य लोटस टेंपल का। ये अंदर जो लोटस टेंपल का जो तो ये जो लोटस टेंपल की यात्रा है, ये हम ऐसे अभी गर्भगृह से बाहर आए हैं, और ये सामने है शिव भगवान मंदिर सामने, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद ये पूरा लोटस टेंपल आप देख रहे हो ये चल रहा है, पूरा लोटस टेंपल, और ऐसे करके यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो वृंदावन में जब भी आप आएँ तो छठी करा रोड पर स्थित लोटस टेंपल जरूर आए, जो कि पंडित देवकी नंदन महाराज का है, जो कि बहुत अच्छी भागवत कथा भी करते हैं, और इसके दर्शन भी करें, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अनुभूति आपको होगी।